हे दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज की वीडियो में हम फाइट करवाएंगे दोस्तों हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वर्सेस द आईएम कॉलेज। दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट आईएम कॉलेज, हेरिटेज कॉलेज दोनों ही ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं और वेस्ट बंगाल के टॉप कॉलेजेस में आते हैं। सो आप भी कंफ्यूज हैं कि ये लूँ हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर आईएम, क्या लेना चाहिए आपको काउंसिलिंग में ऐसे ही जनरली, और इनके जो प्लेसमेंट डेटाज हैं कैंपस की लाइफ के बारे में पूरा इन डेप्थ कॉलेज कंपैरिजन वीडियो का सीरीज शुरू हो रहा है दोस्तों। और पहली वीडियो हम जो लेकर आ रहे हैं वो है आईएम वर्सेस हेरिटेज। आप किन किन कॉलेजेस का रिव्यू में कंपैरिजन चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में आज लिख के बताएंगे। बट दोस्तों, चाहे आप आईएम में एडमिशन लें या फिर हेरिटेज में या फिर किसी भी बेहतरीन इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्ट बंगाल में एडमिशन लेना चाहते हैं डायरेक्ट एडमिशन, तो अभी हमारे एडमिशन कमिटी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। हिंदी के लिए इस पर्टिकुलर नंबर पे अभी के अभी फोन लगाइए या फिर जो है आप कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, या फिर बंगाली में इस पर्टिकुलर नंबर अभी स्क्रीन पे जो आ रहा है उस पर आप जो है फोन लगाइए, रीच आउट कीजिए और जो है हमारे ऑफिस को भी विजिट कर सकते हैं और एडमिशन्स करवा सकते हैं बेझिझक किसी भी बेस्ट कॉलेजेस में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हाट वी ऑफर इज ट्रस्ट। दोस्तों ट्रस्ट के साथ जो है आप एडमिशन्स ले सकते हैं हमारे यहाँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है दोस्तों हमारी जो कॉलेज की बात करेंगे दैट इज नन अदर देन आईएम कॉलेज। आईएम कॉलेज की दोस्तों जो फीस स्ट्रक्चर है, चलिए सबसे पहले हम फीस को कंपेयर करते हैं। आईएम कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है दोस्तों फॉर फोर इयर्स इज अराउंड 7.85 लाख, मतलब 7,85,000 आपको जो है फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। पर जहां पर अगर आप लोग जो है दोस्तों एडमिशन लेते हैं हेरिटेज में तो आपका टोटल फीस स्ट्रक्चर पड़ता है 6.9 लाख के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट आपको डिफरेंस 1 लाख के आसपास देखने को मिल जा रहा है। There is a 1 lakh difference in the total fee structure. First admission charge heritage का है 1,02,000 rupees, जहां पर अगर आप IEM में admission लेते हैं तो first charge आपको देना पड़ता है 1,20,000 rupees। First semester में ही 20,000 के आसपास, 18,000 के आसपास आपको gap देखने को मिल जाता है, which is a huge difference in the fee structure. But हम लोग बात करते हैं दोस्तों college में कितने courses पढ़ाए जाते हैं, what are the courses which are taught in heritage versus the IEM college. अब दोस्तों हेरिटेज का कोई दो कैंपस नहीं है, एक कैंपस है। IEM का जहां पर आपको दो कैंपस वेस्ट बंगाल में देखता है, सबसे पहला कैंपस आपको दिखेगा वेस्ट बंगाल का कैंपस, सेकंड कैंपस आपको दिखेगा दोस्तों फर्स्ट कोलकाता कैंपस और सेकंड है न्यू टाउन कैंपस। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर जो है कोलकाता के जो हेरिटेज कैंपस में कौन कौन से ब्रांचेस पढ़ाए जाते हैं। हेरिटेज में टोटल दोस्तों आपको 13 ब्रांचेस पढ़ाए जाते हैं। फर्स्ट आप देखिए यहां पर AEIE ब्रांच पढ़ाया जाता है जिसमें 60 सीट्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पढ़ाया जाता है जिसमें आपको 60 सीट्स देखने को मिलती हैं। केमिकल इंजीनियरिंग आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कितने कितने सीट्स के साथ आ रहा है। आप सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस बिजनेस सिस्टम, AIML के जो CSE है, CSE डेटा साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ECE इंजीनियरिंग, इसके बाद जो है आपको देखने को मिलेगा IT ब्रांच, मैकेनिकल और इवन CSE इन IoT साइबर सिक्योरिटी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये आपको टोटल थमने 13 ब्रांचेस पढ़ाए जा रहे हैं आपको जो है हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। बट जिसकी जगह दोस्तों अगर आप लोग बात करें यहाँ पर IEM कॉलेज में, अगर आप काउंसिलिंग से आ रहे हैं तो टोटल आपको 11 ब्रांचेस का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस IoT, कंप्यूटर साइंस AIML, कंप्यूटर साइंस आपको IT ब्रांच, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस IoT, कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और यहाँ पर जो है आपको नेटवर्क्स, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टोटल मिलाकर आप देखिए दोस्तों तो यहाँ पर जो अप्रूव्ड इनटेक आपको काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। बट द रियलिटी फैक्टर इज कि IEM में IEM JEE से ज़्यादा एडमिशन्स हो जा रही हैं IEM के मेन पोजिशन से, तो यहाँ पर जो आपको काउंसिलिंग में बहुत ही कम सीट्स देखने को मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी बिग फैक्टर कि IEM के एडमिशन्स होते तो बहुत ज़्यादा है बट यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगा काउंसिलिंग में। तो हम काउंसिलिंग की बात करें तो इसलिए ऐसे भी कंपेयर कर ले रहे हैं ब्रांचेस में। टोटल मिलाकर हम देखें तो दोस्तों आपकी जो हेरिटेज के सीट्स है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू जो है IEM कॉलेज, और हेरिटेज में जो CSE है वो काफ़ी ज़्यादा जो है 400 बच्चों के आसपास होगा। बट जहाँ पर आप देखें तो IEM में आपको स्टूडेंट्स कुछ ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। बट हम लोग चलिए बात करते हैं यहाँ पर लाइब्रेरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैंपस लाइफ के बारे में। तो हेरिटेज नो डाउट हैज अ वेरी ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ओवरऑल में आप देखें दोस्तों तो हेरिटेज एक ऑटोनोमस कॉलेज है, IEM भी आज के दिन एक ऑटोनोमस कॉलेज है। दोनों की जो अफिलिएशन है, जो सर्टिफिकेट्स है वो कहाँ से आती है, मकाउट से आती है दोस्तों। अफिलिएशन में अभी भी
AICTE अप्रूव्ड आपको देखने को मिलता है, IIMB और जो है हेरिटेज भी। इसके साथ साथ NAC अक्रीडिएट जो है दोस्तों वो भी आपको IIMB देखने को मिलता है, हेरिटेज को भी। NBA अक्रीडिएशन दो चार कोर्सेज के IIM के पास भी है, दो चार कोर्सेज के पास दोस्तों आपके हेरिटेज में भी है। हेरिटेज में दोस्तों आपके जो क्लासरूम्स है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े कैंपस, एक बहुत ही गजब का आपको कैंपस देखने को मिलेगा, ग्राउंड फैसिलिटीज, दो तीन ग्राउंड्स हैं, जिम्स हैं, दिस एंड दैट हैं। जहाँ पर IIM में दोस्तों आपको सिर्फ एक बास्केटबॉल कोर्ट देखने को मिलता है, तो कैंपस के मामले में IIM जो है ज़रा सा पीछे रह जाता है। बट इसके अलावा आप अगर देखें तो वहाँ पर एक बास्केटबॉल कोर्ट और इसके अलावा चौमल, बट हेरिटेज में देर इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज कि यहाँ पर जो है आपको कोई ड्रेस कोड नहीं पढ़ना पड़ता, मतलब कोई ड्रेस कोड नहीं है। बट यहाँ पर IIM में एक मैंडेटरी ड्रेस कोड है, उसके अलावा आप लोग जो हैं नहीं पर जो है कॉलेज जा नहीं सकते, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अब बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज़ की, तो IIM में दोस्तों हॉस्टल फैसिलिटीज़ आपको नहीं देखने को मिलते, तो दैट्स अ वेरी लाइक फॉर एग्जांपल प्रॉब्लमेटिक थिंग। बट क्या हॉस्टल एकदम ही नहीं है? नहीं, हॉस्टल है IIM में, बट उनमें कैच है कि वो कैंपस के बाहर देखने को मिल जाता है। गर्ल्स हॉस्टल भी कैंपस के बाहर देखने को मिल जाता है, बट हेरिटेज में गर्ल्स हॉस्टल जो है कैंपस के अंदर है, बॉयज़ हॉस्टल कैंपस के बाहर है, बट बस फैसिलिटी मिलती है वहाँ तक जाने के लिए। तो दैट्स अ वेरी बिग अपडेट जो है आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोस्तों प्लेसमेंट्स के मामले में। सो नाउ प्लेसमेंट्स के लिए जो उन्होंने रिकॉर्ड्स आपको दिए हैं स्क्रीन पे, वही आपको मैं बता पा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखें तो दोस्तों बीटेक के लिए 2023 में बीटेक में 84% का प्लेसमेंट हुआ था, जहाँ पर IIM कॉलेज में आपको 95% का प्लेसमेंट देखने को मिल जा रहा है, 95.31%। मैक्सिमम CTC IIM ने लिखा है 72 लाख, जहाँ पर हेरिटेज ने लिखा है ओनली 50 लाख। एवरेज CTC हेरिटेज का है 4.83, जहाँ IIM का है दोस्तों 7.81। इसके अलावा हेरिटेज में भी कमाल का है, अब देखिए 2022 का एक 1.4 CR का पैकेज गया था, ऑफ कैंपस है, कॉलेज का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कॉलेज ने क्रेडिट ले लिया है, बट वहाँ पर जो एवरेज पैकेज था दैट वाज 5.45 लाख। बट IIM का उस साल दोस्तों 72 लाख का हाईएस्ट था और 7.62 का एवरेज गया था। अब अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं 90% का प्लेसमेंट 2021 में भी था, जहाँ पर आप देखें तो बीटेक का प्लेसमेंट 70% ही था 2021 में। इसका दो चार आप ये भी कारण ले सकते हैं कि जो है कि हेरिटेज कॉलेज में प्रॉब्लम क्या है कि उसमें कोर डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पर IIM में वो आपको देखने को नहीं मिलता। ओवरऑल में NAC अक्रीडिएटेड दोनों ही कॉलेजेस हैं, दोनों ही कॉलेजेस में कंपनीज की बात करें तो डिसेंट जो है विजिट करती हैं, हेरिटेज में उतना खासा खास नहीं है, मास्टर रिक्रूटर ज़्यादा है, IIM में भी मास्टर रिक्रूटर्स हैं, बट कुछ बिग फोर्स हैं, कुछ आपके टॉप कंपनीज भी देखने को मिल जाती हैं। तो ओवरऑल में दोस्तों ये सारे कुछ एडवांटेजेस हैं। अगर मैं आपको ऑन द ब्रीफ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, कैंपस चाहिए, असाधारण एक पुराना लेगेसी वाला नाम चाहिए, ये वो चाहिए आपको, ड्रेस कोड का झंझट नहीं चाहिए, तो हेरिटेज इज़ अ गुड चॉइस टू गो फॉर, या फिर आप जो है IIM की तरफ भी देख सकते हैं। आपको इतना कुछ जानने के बाद क्या लगता है, वॉट इज़ द बेस्ट थिंग टू गो फॉर इन दिस पर्टिकुलर 2024 व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो? क्या चाहिए आपको, क्या बेस्ट है आपके हिसाब से? आपने देखा टोटल रिव्यू, आप मुझे बताओ कि क्या आपके लिए बेस्ट लग रहा है। आप ऐसे ही वीडियोस और चाहते, फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ, हम समटाइम्स इधर उधर में कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, प्लीज़ बेयर इट, नेक्स्ट टाइम से हम और इम्प्रूव करेंगे। बट अभी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको हेरिटेज और IIM में से क्या पसंद है। बट अगर आप डायरेक्ट एडमिशन्स लेना चाहते हैं IIM या हेरिटेज दोनों में से किसी में भी, तो अभी हमारे एडमिशन कमेटी टीम को रीच आउट कीजिए, हिंदी के लिए इस नंबर और बंगाली के लिए इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऑफिस को विजिट कर सकते हैं, एडमिशन प्रोसेस करवा सकते हैं और आज के दिन एडमिशन्स ले सकते हैं एज सून एज पॉसिबल।